गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देख, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 8 मई सन 2018 और मंगलवार का दिन है और पुनः आपके सामने हूं हृदय के भावों को लेकर। क्या घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है? क्या अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? लाख कोशिशों के बावजूद भी दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। और जीवन में यदि लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, कार्य की दिशा नजर नहीं आ रही है, जीवन में अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, कोई राह नजर नहीं आ रही है या फिर हृदय रोग की परेशानी है, तो इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं आज के गुरु मंत्र। और मेरी बात को ध्यान रख के, काहे परेशान है जब दाती महाराज हृदय से आपके साथ। देवाधिदेव शनिदेव का दास हूं और उनसे प्रार्थना करके आता हूं कि आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। थोड़ा सा मुस्कराइए और मुस्कुरा के जरा मेरी आंखों में देखिए और आंखों में देखते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रोग्राम की शुरुआत उपाय से। मन प्रसन्न नहीं रहता है, प्रयास सार्थक नहीं रहते, लाख कोशिशों के बावजूद भी परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे, क्या करें दाती महाराज? घर में श्री की वृद्धि नहीं हो रही, मैंने लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही, क्या करें? छोटा सा उपाय है, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे के आसपास हनुमान जी की श्री चरणों में पुष्प अर्पित करिए और श्रद्धापूर्व पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, गाय के घी का दीपक जलाइए, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते 108 चुटकी सिंदूर अर्पित कर दीजिए और लगातार लगातार प्रातःकाल 4 बजे लगातार 40 दिन करके देखिए दीगा। संपूर्ण सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते 108 चुटकी सिंदूर श्री चरणों में अर्पित, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। बात उनकी करते जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 8 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। तो आपके जीवन में निजगत कर्मों की वजह से कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी जीवन में सहजता नहीं है, जीवन में उथल पुथल बहुत है, 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे, संपूर्ण जीवन उलझा उलझा सा महसूस हो रहा हो। कुछ बातें जिनको ध्यान से सुन लीजिए। 1, आचरण अच्छा रखिए, हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए और अकारण क्रोध मत करिए। अब आप देखिएगा ऐसा, ये 3 उपाय कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दिन रात चौगुनी प्रगति आपकी होगी। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, घर के सामने रास्ते में कोई गड्ढा हो तो तुरंत बंद कर दें और हर रोज अपने इष्ट देवता को सिंदूर से तिलक करें और रात्रि में सोते समय लाल कपड़े में श्रद्धानुसार सौंप और बतासा बांधकर अपने सिरान रखें और प्रातःकाल किसी मंदिर में रख के आ जाए। अभी जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा, सारी परेशानी सारी कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण।
अगला कदम सितारों की ओर, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा मंगलवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रमा अनुकूल संकेत नहीं देता है भाई, थोड़ी सी परेशानी है मेष राशि वालों। ग्रह नक्षत्रों की गणना आपके पक्ष में करवट नहीं ले रही है, आज आपकी कार्यशैली की वजह से या पारिवारिक सदस्यों की वजह से कलह की संभावना है, कारोबार में घाटा हो सकता है, प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है, घर और परिवार में व्यर्थ के मनमुटाव और उलझनों की वजह से आर्थिक पक्ष कमजोर होगा, धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और मानसिक तनाव भी है। मेष राशि वालों सुबह से लेकर शाम तक गोचर यही कह रहा है कि वाणी पर संयम रह के क्रोध नहीं करें, अपनों को साथ लेकर चले और छोटा सा उपाय जरूर करें, श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर 7 बार उतार कर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था में आपका आज योगदान पूरा होना चाहिए, सहयोग पूरा होना चाहिए, क्या ना करें किसी को भी उधार धन न दें न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि लोग ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, चारों ओर का गोचर आपके पक्ष में है, सितारे पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं, कुटुंब और परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा, घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे, व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होंगे, संदेह परेशानी भय भ्रम भ्रांति इससे छुटकारा मिलेगा। यदि हैं आप नौकरी में तो बॉस प्रसन्न रहेगा, ऑफिस में आपका वर्चस्व रहेगा और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। बहुत सुंदर गोचर है वृषभ राशि वाले, बस नैतिकता का दामन पकड़ के रखिए, नमना रहे, क्या करें स्व प्रयासों से कार्य सिद्ध होगा, ये मूल मंत्र अपने दिलो दिमाग में आज बिठा दीजिए, क्या ना करें कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फिर बदल ना करें न बना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों गोचर थोड़ा सा मध्यम है लेकिन परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी लेकिन शाम आते आते संपूर्ण जिम्मेदारियों का आप सहजता से निभा लेंगे। हाँ, व्यवसाय में लाभ के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता जरूर है, आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, संपूर्ण प्रयास सार्थक होंगे, यदि खर्चा है तो आय की प्राप्ति भी है लेकिन थोड़ा सा आलस का भाव रखा या मन में असमंजस रखा तो परेशानी आ सकती, इससे आपको बाहर रहना बहुत जरूरी है, न मना रहे क्या करें खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें, क्या ना करें कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर न करें न मना रहे। मेष वृषभ और मिथुन की मैंने बात करी, अब कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले आज का राहु काल और आज की यात्रा, मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना, भूमि भवन वाहन खरीदना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है, ये सलाह मेरी है। और ऐसा सुना भी है कि राहुकाल के दौरान कमोडिटी में जो सौदा करते हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नमोना रहे, ये मेरी सलाह है मेरे मित्रों, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है मेरा, नमोना। और बात करते हैं आज की यात्रा, उत्तर दिशा की यात्रा, कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रही, मेरा कहना है कि समय और साधनों में बड़ा परिवर्तन हो गया है, प्रातःकाल यात्रा से पूर्व हनुमान जी किसी चरणों में 8 गुलाब के पुष्प भेंट करिए और गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि ग्रह गोचर उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, गणनाएं लेके आया हूं भाई, कोई डराने थोड़ी आ रहा हूं, और गणनाएं ये करिए कि आज खुशी का वातावरण रहेगा, कारोबार में पूर्ण सफलता हासिल होगी, कारोबारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, व्यावसायिक समझौते और वार्तालाप आपके हित में होंगे और आज मनोआवश्यकता अनुसार धन का लाभ भी होगा, भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी लाभ भी प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने का अनुकूल समय है और सफलता आपका इंतजार कर रही है, मान सम्मान बढ़ेगा भाई आज, न मना रहे, क्या करें धन और समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें संतान की इच्छा का अनादर ना करें,
ना मना रहे हैं। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गणना ये संकेत दे रही कि 12वां चंद्रमा है। खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। बिना सोचे समझे किसी की भी मध्यस्थता करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आज संयमित विचारधारा बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिंह राशि वालों, बहुत जरूरी कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहे, कानूनी विवादों से दूर रहे, और संभव हो तो लंबी यात्रा ना करें। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी और मानसिक अभिलाषाएं पूरी नहीं होगी, और तनाव है सुबह से लेकर शाम तक, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? आज श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर 7 बार उसारी और गाय को खिला दीजिएगा, कष्ट कम आएगा, न मनाए। क्या करें? जीवन साथी से मधुर व्यवहार रखें। क्या ना करें? अनिच्छा से कोई कार्य ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, 11वें घर से चंद्रमा ये संकेत दे रहा है कि पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और किएगी प्रयासों की सराहना और लाभ बढ़ेगा। सफलता और लाभ दोनों ही आपका इंतजार कर रहे हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्वयं की अपनी सकारात्मक शोर और स्वयं के मनोअनुकूल प्रयास कार्य क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध सुधरेंगे, चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और सुख के साधन बढ़ेंगे। गोचर शुभ कन्या राशि, लाभ है, सफलता है, अपनों का साथ है, और क्या बताऊं? क्या करें? प्रयास, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का, प्रयास आपके सकारात्मक रहना चाहिए। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, न मना रहे। करक संग कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। घर में माता बहने अपने आभूषण और जीवन किस दिशा में रखें? यदि माता बहने घर में आभूषण और जेवर दक्षिण पश्चिम कोने में रखें तो उनमें वृद्धि होगी और शकुन भी मिलेगा, न मना रहे। और बात करते हैं आज की सुझाव की। यदि आपको अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, आज मंगलवार, आज के दिन नित्यकर्म स्नान उपरांत लाल रंग का रक्षा सूत्र जल गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, लाल रंग का रक्षा सूत्र लीजिए, कच्चा सूत, इसे जल गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। पंचोपचार पूजन करिए, हनुमान जी का ध्यान कर धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते उसमें 11 गांठ लगा दीजिए और इस पवित्र धागे को अपनी दाहिनी भुजा में बांध, अवश्य लाभ मिलेगा, न मना रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि और तुला राशि वालों से खाली इतना कहना चाहिए, ग्रह गोचर बड़ा उत्तम है। शंभु नक्षत्र गणना आपके पक्ष में करवट ले रही है। पारिवारिक सुख में प्राप्त वृद्धि होगी, परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा और परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। घूमने फिरने और सुख के साधनों को उपभोग करने का सु अवसर मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कारोबार के क्षेत्र में भी विशेष सफलता हासिल होगी, तो अपनों का साथ बड़ा मनोअनुकूल रहेगा। गोचर तुला राशि वालों आपके पक्ष में करवट लेगा, हर दृष्टिकोण से गोचर आपका ठीक है। मेरी बात सुन रहे ना तुला राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि संभावन प्रयासों से आप संतुष्ट रहेंगे और धन लाभ आपके पास है आज, न मना। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक लोगों को सहयोग करिए और उनके सहयोग से कार्य करिएगा और अच्छा रहेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें, न मना रहे। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि गणनाओं की बात करूं और गणना ये करें कि परिस्थिति में सुधार होगा और परेशानी से मुक्ति होगी, प्रयास सार्थक होंगे। परिस्थितियों में सुधार, कारोबारी परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, कैरियर संबंधी परिस्थितियां, परिस्थितियों में सुधार होगा, परिवार का साथ मिलेगा और प्रयत्न जो आप परिश्रम करें उन अनुकार परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख सहयोग बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता से मन संतुष्ट रहेगा। ऑकल्टम साइंस यानी ज्योतिष लेखन कला के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। गोचर शब्द आपके पक्ष में है, कहीं कोई परेशानी है नहीं, बस प्रयास करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का फेरबदल ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले गोचर की बात कर रहा और गोचर यह संकेत दे रहा है कि सितारों की चाल अनुकूल नहीं है। आज अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा,
कलह से बचना होगा। गोचर ये भी संकेत रहे कि संतान पक्ष को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, सरकारी अफसरों से मेल मिलाप रखना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं रखा तो कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में बड़ी रकम डूब सकती, कानूनी उलझनों में आप फंस सकते हैं। बहुत जरूरी पारिवारिक एकता बना और खर्चों पर काबू रखना। आज गोचर थोड़ा सा सावधानी का थोड़ा छोटा सा उपाय, निर्धन गरीब स्वागन स्त्री को पीली वस्त्रों का दान, पीले वस्त्रों का दान दीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नमो नारायण। क्या करें, किए गए वादों को निभाए, क्या ना करें, विचार विकारी में जल्दबाजी ना करें। नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय, आज के नुस्खा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज हम आर्थिक संकट से बहुत परेशान हैं, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता की राह नजर नहीं आ रही। यदि आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद भी राह नजर नहीं आ रही कि संकट से बाहर कैसे आए, तो किसी भी माह के प्रथम शनिवार से लगातार 7 शनिवार श्रद्धानुसार उड़द में गुड़ डालकर पकाइए, अपने ऊपर 7 बार उसाइए, ठंडा कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए, या फिर श्रद्धानुसार उड़द शनिवार दिन गौशाला में दान देना भी आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इसमें कभी लापरवाही नहीं करिए, लेकिन साथ में ये उपाय भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हृदय रोगी को गुलाब के सूखे फूल के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ सेवन करना बड़ा लाभकारी रहता है। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपका इंतजार करिए और सफलता मिलेगी, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, कारोबार के क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, धार्मिक कार्य में रुचि मिलेगी और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, सरकारी अफसरों से थोड़ा सा तालमेल रखें, क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, संपूर्ण नक्षत्र गणना ये संकेत है कि आज ग्रह गोचर उत्तम है, भाग्य आपका साथ देगा, रुकी हुई सभी कार्य बनेगी, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, धन लाभ होगा, घरेलू समस्या और विवादों से राहत मिलेगी और परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें, अधूरे कार्य को पूरा करें, क्या ना करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, गोचर ठीक है, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा, धन की प्राप्ति के साथ साथ आज रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहेंगे, पास पड़ोस के लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे और सरकार से भी लाभ मिलेगा। बस बदलते वातावरण में विचलित नहीं होना है, थोड़ी सी मान सम्मान की चिंता है भाई, इस पर ध्यान रखना, दैनिक दिनचर्या नियमित रहे और यात्रा में सावधानी बरतेंगे तो ठीक रहेगा। नमो नारायण। क्या करें, बहुत जरूरी अपनों के साथ तालमेल बनाकर रखें, क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। हाँ, एक बात जरूर करना चाहते, गुरु मंत्र विद दाती महाराज YouTube पर मेरा चैनल है, जाइए उस पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल की घंटी बजाना मत भूलिए, हर रोज आपको मेरा नया वीडियो मिल जाएगा। नमनान, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दुर्घटनाओं से कैसे पीछा छूटे, उपाय और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। छोटा सा ब्रेक, ये गया और वो आया, आप कहीं नहीं जाना। नमनान। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ती, अपनों ने साथ छोड़ दिया, कार्य की दिशा नजर नहीं आ रही और जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कोई राह नहीं मिल रही, तो हनुमान जी की पूजा करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मंगलवार के दिन नित्यक्रम नियोग स्नान उपरांत भगवान हनुमान जी का श्रद्धापुर पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, और ये मंगलवार को प्रारंभ करें, 40 मंगलवार करें, 108 पान के पत्ते ले लीजिए, जल गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, प्रत्येक पत्ते पर कुमकुम और हल्दी से श्री राम लिख दीजिए,
सरदार हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम निधि पतये नमः इस मंत्र का जाप कर हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित कर दी, आरती पूजन करी, एक पत्ता अपने पास रख ली, से बहते हुए पानी में प्रवाह कर दिया। अब करके देखिएगा सारे कष्ट मिटेंगे। नमन अनुवाद करते मंगलवार के जीवन मंत्र। हम क्या करते हैं कि अक्सर हम परिस्थितियों को बहुत चढ़ा बढ़ाकर देखते हैं और यही हमारे लिए तनाव का कारण। जरा इनसे हटिए, कभी कभी तनाव को हटाकर जीना सीखिए, जीने का आनंद आएगा और राह नजर आएगी। बस इसके लिए सदगुरु का प्रसाद चाहिए, ज्ञान की साधना चाहिए, अंतर्मुखी चेतना के साथ जुड़े होना बहुत जरूरी होता, तभी ये संभव हो पाता है। नमन है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के चलते दाती धाम नमन। जय शनि देवा हरि ओम तत् सत् 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 जय शनि देवा नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल्पना गुरु मंत्र जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय बुधवार का राशि पर गणपति को कैसे मनाएं, विघ्नों से कैसे पीछा छूटे, पूजा और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे के उपाय और वास्तु सलाह लेकर हूं। लेकिन आज अपनी गलती अपने गुनाह अपनी भूल की माफी मांगती हूं, अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण।